पानी के साथ साथ चलते हैं हम भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सुनाएं आज की लाइफ में आपका क्या रूटीन है। आज हम फिर जा रहे हैं खन वाले। तो क्या नाचोगे? वहाँ पे क्या काम है? हमने जो थोड़े बहुत बिल्कुल एक क्यारा बना के उधर थोड़े से बसर बोए थे, ठीक है वो निकालने हैं। अब उसके साथ मैं भी जा रहा हूँ, तो क्योंकि वो वापस आती हुई मुझे लेके आनी उनके साथ अबू की। चलते हैं। तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया, बिल्कुल रेडी मैं हो चुका हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके रेडी हुए हूँ। तो चलते हैं। सो वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो क्या कर रहे हो यार, करो सब्सक्राइब जल्दी। थैंक यू आप लोगों ने, सब्सक्राइब करो। शाबाश शाबाश, मैं नहीं जानता। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वीडियोस देखते रहते हो और सब्सक्राइब करते नहीं हो, ऐसी वीडियोस देखते होते हैं। ठीक है जी, चलो अब शूज मैंने पहने लिए हैं, लेते हैं बाइक निकालने। मुश्किल है खोलना। अभी चलते हैं, जाके आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी काम स्टार्ट करने लगे। दिखाता हूँ आपको कौन से थोड़े से, एक थोड़ा सा क्यारा था, बिल्कुल छोटा सा क्यारा, उसमें हमने वसल बोए थे, वो निकाल के फिर घर लेके जाने। ये हमने काटने हैं सारे, उस तरह इतने सारे हैं ना, मुश्किल भी नहीं है, थोड़े सी हैं। एक क्यारा था, बड़ा क्यारा यहाँ तक, ओ है तो बड़ा क्यारा, कोई बात नहीं, ख़त्म हो जाएगा। अब जी वसल अभी निकाल रहे हैं ज़मीन के अंदर से, तो फिर पानी क्यों लगा रहे हैं? ताकि ज़मीन नरम हो जाए, हाथ से पकड़ें और खींचे तो निकल जाएं। खींचने से निकल जाए, फिर वजह से इसको पहले पानी लगाया जाता है। वैसे नहीं निकलते, शाम को हम आ नहीं सके। पानी के साथ साथ चलते हैं हम भी। बहुत पुल नहीं खोला ना, खोलो तो फिर सारा पानी इधर बाहर आ जाता है, फायदा ही नहीं होता, पानी आएगा। ये मूंग की फसल है भाई, अगर पहले नहीं देखी तो देख लीजिए। ये मूंग की सारी जगह, और नीचे वाली जगह पे कुछ नहीं, उस साइड भी इतनी मूँगफली लगी हुई है। क्या लगे मूँगफली लगी। अब उन्हें फिर से मुझे अंदर भेज दिए, अभी गर्मी है बाहर, बैठे रुक तक पानी लगा रहा हूँ, पानी लग जाएगा तब मैं आपको बताऊँगा। पंखा ऑन कर लेते हैं यार। ये देखें जी, अभी वसल काट के इसके अंदर डाले जा रहे हैं, इनकी जो क्या बोलते हैं फालतू जो होता है ना घास, ये काटा जा रहा है, बाकी हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जी ने बादल बना दिए, पहले इतनी धूप थी, अभी भी हल्की हल्की आ रही है, देख सकते हैं आ रहे हैं सारे बादल। अबे यार बारिश हो जाती ना अच्छी खासी, फिर मज़ा आ जाता, बस अल्लाह रहमत की बारिश दे दे एक बार। अल्हम्दुलिल्लाह काम हमने फिनिश कर लिया, ये जो सारे थे ना वसल वगैरह उसको हमने थोड़े में डाल दिया, सारे नहीं काटे हमने, थोड़े से काटे, अभी तो बहुत पड़े हैं। अभी चलते हैं कार में, चले अबू। अबे यार खुद ही ठाक रखता हूँ, इतना भारी भी नहीं है। अब तो सर बोल दे भोसड़ी के। अल्हम्दुलिल्लाह खैर भी से हम वापस आ चुके हैं और अभी यार थोड़ा आराम कर लेते हैं, नींद आई है मुझे बहुत ज्यादा। घर आने के बाद सबसे पहला काम शिकंजी, जब हम घर पहुँचते हैं बड़ी माँ शिकंजी बना देती है, इसे हम पी लेते हैं। तो क्या नाचोगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई फिर भी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।